बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त ऐसे बोल रहे थे कि मैंने जुलाई अगस्त सितंबर में अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया था, बट अभी तक ना रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना कॉलेज और हॉस्पिटल में वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या उसमें गलती हो सकती है, क्या कौन सी की वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वो पेंडिंग पड़ी हुई है, आप कैसे उसको पेंडिंग से बाहर निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या चल रहा है। तो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक तारीख से न्यूज़ मिला था कि एक तारीख से रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आएगी, लेकिन ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला। फिर भी जैसे पहले रजिस्ट्रेशन चलती थी, जिस स्पीड से अभी भी चल रही है और रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। बीते दिनों बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने कुछ लोगों का जिनका वेरिफिकेशन हो चुका था, उन लोगों को उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड किया हुआ है, और धीरे धीरे जिनका वेरिफिकेशन हो जा रहा है उनको उनका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुलाई अगस्त सितंबर में अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उनका ना कॉलेज वेरिफिकेशन गया है, ना हॉस्पिटल वेरिफिकेशन गया है। तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अप्लाई तो कर रखा है, आपने बहुत पहले ही अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी तक आपका क्यों नहीं गया, ये चीज़ आप पूछने भी नहीं गए, ठीक है। आपको एक बार काउंसिल जाकर मिलना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है। फिर भी आप क्या करें कि अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपने सबमिट किया था, उसको एक बार अपने से चेक कर लें उसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है। उसको प्रॉपरली एक बार चेक कर लें। इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसमें डेट को लेके इशू है। जैसे ट्रेनिंग आपने ख़त्म किया कुछ दिन और डेट कोई मेंशन दूसरा, या फिर कोई भी अपना नाम वगैरह सारा चेक कर लें। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है वो आपके ट्रेनिंग के बाद का होना चाहिए। तो आप ये चीज़ भी देखें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका पहले का रहेगा तो भी आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट हो तो